एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज पाइथन एंड पाइथन के कुछ फीचर्स आज हम लोग देखेंगे। आज के ज़माने में पाइथन बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों ये इतना सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये पाइथन की कौन डेवलप किया है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। पाइथन इज़ ए जनरल पर्पस डायनामिकली टाइप्ड हाई लेवल लैंग्वेज है विच इज़ डेवलप्ड बाय जूडो वैन रॉसम 1991 ये जो साइंटिस्ट है जूडो वैन रॉसम, उन्होंने 1991 में ये पाइथन को इंट्रोड्यूस किया है हम सबके लिए। पाइथन एक जनरल पर्पस डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। हाई लेवल क्या है ये है सब तो हम लोग जानते ही हैं, एंड जनरल पर्पस मतलब क्या है, इसका लैंग्वेज बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसी की तरह ही ये बहुत ही इजी है। इसके लिए कोई अलग से सिंटैक्स या फिर कोई भी अलग से प्री डिफाइंड वर्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत ही इजी है। एंड डायनामिकली क्यों, इसको हम लोग जब चाहे चेंज भी कर सकते हैं खुद से। कहीं पर कोई प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायनामिकली बोल रहे हैं। हम लोग पाइथन में कैसे कोई भी वर्ड को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में सी में क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ, देन इसके डबल इन्वाइटेड कोलोन में हम लोग अपने जो वर्ड होते हैं उसको चाहे मान लीजिए आप हाई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग रन करते हैं तो ये दिखाता है, इसके सेमी कोलन भी देना पड़ता है, इसका हाई दिखाता है। उसी तरह से हम लोग पाइथन में सिर्फ प्रिंट एंड डबल कोट के अंदर, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर जस्ट हाई लिख के अगर हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सिंपली हाई लिख के दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सेमी कोलन अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पर सी में कोई भी एरर शो कर सकता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पाइथन बहुत ही ईजी है, बहुत जगह पर हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं। पाइथन कहाँ पर यूज़ होता है, जब भी हम लोग कोई गेम डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, या तक कि वेब डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए भी हम लोग पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ये है पाइथन के मेनली हम लोग कहाँ कहाँ पर पाइथन यूज़ कर सकते हैं, पाइथन इतना ईजी क्यों है। अभी चले आते हैं हम लोग पाइथन के फीचर्स के ऊपर। फीचर्स में क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, इट्स ए सिंपल एंड ईजी टू लर्न, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर सिंपल क्यों है, जैसे हम लोग इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं प्रिंट, उसी तरह से ये प्रिंट वर्ड यहाँ पर लिख के हम लोग जस्ट प्रिंट कर देते हैं कोई भी डेटा स्ट्रिंग को, ईजी, बहुत ही ईजी है। एंड लर्निंग करने में भी ये बहुत ही ईजी है। कोई जैसे हम लोग सी में हैश इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद कोई भी मेन प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्रामिंग को रन करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये पाइथन वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है, मतलब इस लाइन पे हम लोग क्या लिखे उसको अगर आप रन करेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन को ही रन करेगा। लेकिन सी में क्या होता है, मेन प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, उसके बाद मेन को एग्जिट करते हैं, फिर उसको जब रन करते हैं तभी ये दिखाता है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, बट पाइथन पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये इजी टू लर्न है, ये फ्रीवेयर है एंड ओपन सोर्स है। फ्रीवेयर का मतलब क्या है, ये कहीं पर भी आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये ओपन सोर्स मतलब क्या है, अगर आप चाहे तो पाइथन में कुछ भी आप चेंज खुद से कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो कोड विंडोज़ में लिखा है वही कोड आप किसी और में, मतलब लिनक्स में अगर उसी कोड को हुबहू कॉपी कर
लिनक्स में उस कोड को आप पूरा कॉपी करके पेस्ट करके अगर रन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ओपन सोर्स है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब भी वही है, अगर आप विंडोज़ में इसको चला रहे हो तो आप चाहो तो इजीली उसको लिनक्स में या फिर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, बट मोबाइल एंड्रॉयड में ये नहीं चलेगा। ये इसका रिच लाइब्रेरी है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब क्या है, इसके इनबिल्ड बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसको हम लोग इजीली कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम में रन कर सकते हैं, इसको अलग से कोई भी खुद से प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड मतलब क्या है, जैसे हम लोग सी में लिखते हैं पहले हैश इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं, फिर उसका फंक्शन कॉल करते हैं, फिर उसको एग्जिट करके फंक्शन से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो ये जो फुल प्रोसेस है ये तो बहुत सारे इतना लेंदी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कोई भी एरर अगर आएगा जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा। बट इंटरप्रिटेड का मतलब क्या है, ये वन बाई वन एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रिंट एफ प्रिंट हाई, तो ये सिर्फ रन करने से सिर्फ हाई दिखाएगा। या फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए इक्वल टू 20 और प्रिंट कर रही हूँ ए, तो ये इजीली ए इक्वल टू 20 को प्रिंट कर देगा, मतलब ये इजीली 20 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर ऐसा दिखा ज़रूरत नहीं है कि 20 जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ये इसको हम लोग इंट या फिर कोई भी फ्लोट नंबर को अगर हम लोग डिफाइंड करें तो प्रिंट करना चाहे, मतलब 20.5 ये जो फ्लोट नंबर है, इस फ्लोट नंबर को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले फ्लोट को डिफाइंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तो वहाँ पर अगर कोई भी एरर आएगा तो ये इजीली आपको शो करेगा कि हाँ इस लाइन पर एरर है। मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट के जगह पर मैं अगर प्रिंट लिखूँ PRN देन लिख दूँ, तो यहाँ पर ये शो करेगा कि प्रिंट बोल कर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट लिख सकते हो। ये ऐसा बेनिफिट हम लोगों को पाइथन पे मिलता है। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या है, अगर आप पाइथन में कोई कोड लिखे हुए हो आपके प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, उसी कोड को अगर आप चाहो तो सी या फिर जावा में उसको चला सकते हो, वह जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करके ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब क्या है, पहले आप लोग सी या फिर C++ या फिर जावा किसी पर भी आपने काम कर चुके हो, उसी प्रोजेक्ट के कोड को अगर आप चाहो तो कॉपी करके यहाँ पर पाइथन पे पेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी इजीली चलेगा, उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा, इसका ही मतलब है एक्सटेंसिबल। इतने सारे बेनिफिट आपको पाइथन पे मिलते हैं। पाइथन ज़ीरो वैन रॉसम ने इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों के लिए 1991 में। फिर से बता देती हूँ, पाइथन एक जनरल पर्पस डायनामिकली यूज्ड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया है ज़ीरो वैन रॉसम के द्वारा। ये इजी टू लर्न है, फ्रीवेयर है, इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी है जो इसको बहुत ही इजी बनाता है, इसका रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, ये सब बहुत सारे बेनिफिट है पाइथन के लिए, इसीलिए आज हर कोई पाइथन सीखना चाहता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये एंड्रॉयड मोबाइल पे नहीं चलता है, एंड्रॉयड जो OS है उसमें नहीं चलता है, ये इसका ड्रॉबैक है।